सभी को पसंद है। कभी हम छोले भटूरे खाना पसंद करते हैं, तो कभी छोले पूरी, तो कभी छोले चावल। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ टिपिकल पंजाबी स्टाइल में छोले। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं छोले, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया। टोमेटो प्यूरी, प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन का पेस्ट, अदरक, चाय की पत्तियां, ये मैंने कलर के लिए लिया है, छोले मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने लिया है कबाब चीनी, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, चकरी मसाला, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री, हरी इलायची, लौंग। मैंने कुकर में छोले को रख लिया है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहे तो लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। नमक, हल्दी पाउडर, अदरक, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, चक्री मसाला, काली मिर्च, लौंग, जावित्री, हरी इलायची, कबाब चीनी और मिर्ची। इसे मैं डालकर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। चने से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी। अब मैं इसमें 5 से 6 सीटी लगाऊंगी। मैं ये बताना भूल गई थी, टी इन्फ्यूजर में चाय पत्ती डालकर मैं इसमें छोड़ रही हूँ। अब मैं इसे सीटी लगाऊंगी 5 से 6। बॉयल हो गया, चलिए तड़का लगाते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और उसमें तेल डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें अदरक के टुकड़े डाल रही हूँ। लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ज्यादा नहीं चलाऊंगी मैं इसे, बस हल्का सा भूनूंगी। अब मैं प्याज डालूंगी, इसको मैं भूनूंगी। जब तक प्याज हमारा भूनता है, तब तक मैं एक तेज पत्ता का टुकड़ा डाल दूंगी, ये भी साथ में भून जाएगा। मैं इसमें छोले मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, गरम मसाले डाल रही हूँ, नमक मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि छोले में भी मैंने डाले थे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। प्याज और मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डालूंगी और इसे भूनूंगी तब तक जब तक टमाटर का कच्चापन ना खत्म हो जाए। मसाला से तेल रिलीज हो चुका है, अब मैं इसमें छोले डाल दूंगी। ये काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने जो भी खड़ा मसाला डाला था उसे निकाल लिया है, सिर्फ प्लेन छोला को डाला है। अब मैं इसे 2-3 मिनट और पकाऊंगी
और उसके बाद हमारा छोला तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर और डिलीशियस लग रहा है, ये तैयार हो चुका है। अब हम चलिए इसे सर्व करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल में बना हुआ छोला बहुत ही टेस्टी है, आप इसे इस स्टाइल में बनाइए, बहुत मज़ा आएगा खाने में।